वेलकम टू बेग असाबी प्रोडक्शन। तो आज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ नौगांव का मृत्युंजय टेम्पल। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँचा है महा मृत्युंजय शिवलिंग में देखने के लिए। बहुत बड़ा दिखे नौगांव में ही ये और प्लेस को देख लो आप लोग। यहाँ से आया है हम लोग उस तरफ से आया हुआ है और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे पूजा का वो सामान लेगा। पूजा का सामान लेके तो हम लोग वहाँ पे उस मंदिर में जाएगा, उसके बाद वो बड़े वाले शिव मंदिर में जाएगा हिमोलंगा में। तो बने रखिए आप लोग, मैं दिखाऊंगा आज नौगांव का महा मृत्युंजय मंदिर। महा मृत्युंजय मंदिर नौगांव में। तो हम लोग सामान ले लिया, तो अभी फिलहाल हम लोग इस मंदिर में जाएगा, वहाँ पे धूप और सती लगा के आएगा, उसके बाद पूजा का जो प्रसाद है वहाँ पे लेके जाऊँगा हम लोग, बड़े वाले शिवलिंग में लेके जाऊँगा। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे लगाता हूँ सती, तो बने रखिए चलो। हम लोग यहाँ से आ गया अभी बड़े मंदिर में, शिव मंदिर में जाएगा। ये देखो बहुत बड़ी टेम्पल्स बलंगो, बहुत बड़ा नौगांव नौगांव में। तो हम लोग जाने वाला है अंदर, यहाँ पे सिक्योरिटी बना हुआ है। चलिए अंदर चलता हूँ, ऐसे नज़ारा ऐसे है। हम लोग शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, बने रखिए, बहुत एक्साइटमेंट हो मैं अभी। तो अंदर चलता हूँ चलो। हम लोग इस तरफ नीचे गया था मगर वहाँ पे पहले ऊपर जाने के लिए बोला है, ऊपर से और यहाँ पे आने के लिए बोला है यहाँ। तो हम लोग फिलहाल ऊपर चलता हूँ, ऊपर पूजा देना पड़ेगा, तो बने रखिए आप लोग। हम लोग ऊपर चलता हूँ, ऊपर ऐसे नज़ारा है, वाह सो नाइस। और ऊपर से आप लोग देख लो ऐसे नज़ारा है, वाह सो ब्यूटीफुल सो नाइस। चलो बने रहो। दोस्तों हम लोग वहाँ ऊपर मतलब चुके देखे आया और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे ये सब सामान देना चाहिए, तो फिर से ये लौटा देता है। ये हम लोग को दिया प्रसाद, तो प्रसाद लिया और अंदर का नज़ारा आप लोग थोड़ा सा दिखाता हूँ। अंदर ऐसे है, हम लोग केवल हम लोग के पीछे नीचे रूम में आए हुए हैं यहाँ पे देखे, और नीचे ऐसे है नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन और बहुत ही खूबसूरत आप लोग देख रही है। हम लोग ऊपर से आ गए, तो और भी दिखाऊंगा मैं आप लोग, तो बने रहिए। बाबा ए मैंने मैं अलग जान विचार और मैंने शिव लंगर तो कैसे निर्माण हल मंदिर तो एक पुराण समय है विष्णु पुराण समय এইটো নরসিংহ ক্ষেত্র, ভগবান নরসিংহর অবতার ক্ষেত্র হয়। ইয়ার গুরু শুক্রাচার্যই এই জায়গায় বহু তপস্যা করেছিল আর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সাধনা সিদ্ধ করেছিল। এই কথাটো পাছত গৈ আমার একে ওলালে তপস্যা করে ওলালে যে এই বস্তুটো ইয়াত আছে বুলি। তারপর এই মন্দিরটো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির রূপে নির্মাণ হল। আচ্ছা আচ্ছা, কেমন বছর মান হল এটা, কেমন বছর হল এটা?
ডাঙর মন্দিরটো তো বেশি হোৱা নাই, ডাঙর মন্দিরটো উদ্ঘাটন হোৱা হৈছে তোমার আড়াই বছর হৈছে, আড়াই বছর তার আগে পুরনি হরু মন্দির আছে সেই পানি আছে, বাবা তার প্রতিষ্ঠিত আছে, হয় হয় তারপর এই মন্দির হওয়ার পাশে তারপরে আনি আর প্রতিষ্ঠা করা হল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ বাবা। लोग अभी इस पैर में यहाँ पे हम लोग ये बांध के जाएगा, और वो भी कि ये वाला लाल वाला जो मन में जो है वो मन्नत मांगने के लिए आया हुआ है यहाँ पे पैर में, तो जो भी मन्नत मांगता है तो सब हो जाता है और मिल जाता है। तो कहाँ बांध ले देख लेता हूँ। और दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग पूजा करके आया, और अभी हम लोग जा रही हूँ थोड़ा खाना खाने के लिए, बहुत ही भूख लगा है, तो आप लोग बने रखिए। हम लोग जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट में, और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है सामने है, और मृत्युंजय मंदिर के सामने है, थोड़ा सा आने से ये मिल जाता है ये रेस्टोरेंट। चलिए तो दोस्तों रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रख दिया, अभी हम लोग आगे चलते हो भीतर में इस रेस्टोरेंट में आ गए, तो अभी खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा, मंदिर से आके अभी खाना खा लेता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम लोग बैठ गया खाना खाने के लिए, चिकन बिरयानी एंड चिकन और भात यानी चावल, तो खा लेता हूँ हम लोग। तो दोस्तों ये रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा लिया, और अभी मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ रेस्टोरेंट कैसे है, देखो पानी के बीच में ऐसे है रेस्टोरेंट। और दोस्तों ऐसे ऊपर भी जा सकता है, बैठ सकता है, बाकी फिलहाल आप लोगों को नीचे का वाला दिखा रही हूँ, तो आप ये इस तरह भी बैठ सकता है। और फिलहाल हम लोग चलता हो, खाना बना हो गया और लोकेशन भी आप लोगों को दिखा दिया, तो अभी हम लोग घर चलते हो पैसा दे के। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोग रूम पहुंचा है, और हम लोग नौगांव की मृत्युंजय टेम्पल देखने के लिए गया था, बहुत ही मज़ा लगा और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत इन्जॉय करके आया मृत्युंजय मंदिर एंड टेम्पल देख के, बहुत मज़ा आया। तो मेरा ब्लॉग वीडियो आज का इतना ही था, सबको मेरे तरफ से बाय एंड जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, जय भारत।